स्वागत है एक बार फिर से डेली फोकस न्यूज में। नवोदित अभिनेत्री रक्षा गुप्ता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने को तैयार है। रक्षा गुप्ता ने भोजपुरी सिनेमा में फिल्म दोस्ताना से डेब्यू किया था, जो बीते साल आया था। अब उनकी फिल्म कमांडो अर्जुन आने वाली है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इसमें वो युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू के साथ नजर आने वाली है। इस फिल्म में वे लीड रोल में नजर आ रही हैं। इसमें प्रदीप पांडे चिंटू के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार होने वाली है। इसको लेकर रक्षा गुप्ता ने बताया है कि यह बहुत अच्छी फिल्म है। चिंटू के साथ काम करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में काम करने का अनुभव खासा रहा। हमारी फिल्म के गाने भी बेहद शानदार हैं। यह दर्शकों को बेहद पसंद आने वाली है। रक्षा इसके अलावा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भी फिल्म ठीक है की शूटिंग पूरी कर चुकी है। इसके निर्देशक संतोष मिश्रा होंगे। इसके अलावा रक्षा गुप्ता यश कुमार के साथ घर वाली बाहर वाली 2, नसीहत और किंग भी कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ एक फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की है। वे इस फिल्म में भी खेसारी लाल यादव के अपोजिट है। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी आउट नहीं हुआ है। वहीं खेसारी के साथ रक्षा का गाना आरा में दोबारा भी खूब धूम मचा रही है। आपको बता दें कि रक्षा बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया की रहने वाली है और दिल्ली में पढ़ी लिखी है। रक्षा टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। वो कहती है कि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, यह मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी भाषी लोगों का प्यार हमें खूब मिले। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे रक्षा गुप्ता के बारे में? इस बिहारी बाला को आप लोग कितना प्यार करने वाले हैं उनकी आने वाली इस फिल्म को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।